नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रोबाई में। दोस्तों, गेमिंग कंसोल्स आप देखते हैं, बड़े बड़े गेमिंग कंसोल्स हैं, उनको बड़े मॉनिटर्स के साथ कनेक्ट करके या बड़े टीवी के साथ कनेक्ट करके गेम खेल सकते हैं, लेकिन आज एक जगह बैठकर गेम खेलने का समय नहीं है लोगों के पास। लोग चाहते हैं वो जहाँ पर हों, जब उनका मूड करे तब वो गेम खेलें। हालांकि मोबाइल गेमिंग तो एक कॉमन सी चीज़ है, मोबाइल पर गेम्स सभी लोग खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जो मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है, वो पीसी पर अवेलेबल है। अब क्या हो सकता है, या तो आप लैपटॉप लेकर चलें, जहां आपका मन हो वहां पर आप पीसी गेम एंजॉय करें। इसको और कॉम्पैक्ट करने के लिए गेमिंग कंसोल्स लॉन्च किए गए जो छोटे साइज के हों। जैसे निंटेंडो स्विच के बारे में आप जानते ही हैं, वो हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल है। इस तरह से एक और गेमिंग कंसोल लॉन्च हुआ जिसका नाम है स्टीम डेक, ये भी हैंडहेल्ड की सीरीज में ही आता है। आज मैं जिस हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल की बात करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी ने लॉन्च किया है और इसके फीचर्स भी बहुत तगड़े हैं। और आपको गेमिंग का कैसा इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या इसके बारे में जानकारी है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असूस ने अपनी आरओजी सीरीज में एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च किया है और इंडिया में उसकी लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म हो गई है। इस मॉडल का नाम है आरओजी एली Z1। एक्चुअली इसके दो वेरिएंट हैं, Z1 और Z1 एक्सट्रीम। थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेसर के डिफरेंस के अलावा ये लगभग सेम है। तो आइए देखते हैं इसके स्पेक्स कैसे हैं। दोनों ही डिस्प्लेज, दोनों ही गेमिंग कंसोल के जो डिस्प्लेज हैं वो 7 इंच के हैं, फुल HD डिस्प्ले हैं। इसके अलावा 500 निट की इसमें ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16:19 का एस्पेक्ट रेशियो है। गेमिंग के लिए परफेक्ट डिस्प्ले कहा जा सकता है। इसके अलावा इसकी प्रोसेसर्स, इसमें दोनों वेरियंट में दो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। पहले में जो प्रोसेसर है वो है राइजन का Zen 4 8 कोर 16 थ्रेड 8.6 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड की स्पीड वाला 5.1 GHz का प्रोसेसर। ये एक्सट्रीम का प्रोसेसर है। और Z1 का जो प्रोसेसर है उसमें जो आपको स्पीड मिलेगी वो 2.8 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड की मिलेगी। यानी कि अगर हम ये कहें कि Z1 और Z1 एक्सट्रीम में डिफरेंस है, तो वो प्रोसेसर की स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालेगा। अगर हम कहें कि दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, तो मेनली डिफरेंस दोनों में उनके प्रोसेसर्स का है, लेकिन इन प्रोसेसर्स के डिफरेंस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस जरूर देखने को मिले। असूस का ये गेमिंग कंसोल लगभग सभी पीसी के गेम्स को रन करता है। इसके अलावा अगर इसको स्टीम डेक से कंपेयर किया जाए, तो स्टीम डेक के कंपेरेटिवली ये लाइट वेटेड है। स्टीम डेक जो है वो काफ़ी हैवी है। और डिस्प्ले को अगर कंपेयर किया जाए स्टीम डेक और निंटेंडो स्विच से, तो इसका डिस्प्ले बिल्कुल सेंटर में आता है, मीडियम साइज का है। यानी कि स्टीम डेक का जो डिस्प्ले है वो इस असूस के हैंड होल्ड कंसोल से बड़ा है, लेकिन असूस के इस कंसोल का जो डिस्प्ले है वो निंटेंडो से बड़ा है। परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो प्रोसेसर इतना स्ट्रांग होने की वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो स्टीम डेक से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत विविड और ब्राइट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से गेमिंग का जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो एक्सट्रीम डेक की कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। थोड़े से इसमें माइनस पॉइंट्स जो अभी तक सामने आए हैं वो है कि इसकी बैटरी लाइफ कम है, बैटरी के चार्जिंग के भी कुछ इश्यूज हैं, जो कि हो सकता है बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट से शॉर्ट आउट हो जाए, किसी तरह का सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हो सकता है। असूस के कंसोल्स जो भी अभी तक रहे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, RGB उनका एक खास आस्पेक्ट रहा है हमेशा। एक RGB के लिए वो बहुत ज़्यादा हमेशा मेहनत करते रहे हैं जो डिज़ाइनर्स रहे असूस के, वही चीज़ इसमें भी देखने को मिली है। इन्होंने जो दो जॉयस्टिक्स दिए हैं इस गेमिंग कंसोल में, उन दोनों में रिंग लाइट्स दी हैं, और ऐसा बताया है कि जो लाइट्स हैं वो गेम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ब्लिंक भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आप जैसा गेम मूव कर रहा है, जैसा उसका आगे प्रोग्रेशन है, वैसा ही उसमें आपको लाइट का इफेक्ट भी देखने को मिले। बैक साइड में एक इसमें होलोग्राफिक स्ट्रिप दी गई है,
जो एक अलग ही लुक शो करती है उसमें। गेमिंग कंसोल में जो इवेंट्स कट किए गए हैं वो असूस के अकॉर्डिंगली, असूस के लोगों के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, यानी कि आप दूर से ही उसको देखकर समझ जाएंगे कि ये गेमिंग कंसोल किसका है। इसके बैक साइड में जो इवेंट्स कट आउट किए गए हैं वो बिल्कुल आपको असूस के ज़ेफ्रस सीरीज़ के लैपटॉप की याद दिलाएंगे। ज़ेफ्रस में भी उसी तरह का एक डिज़ाइनर LED पैटर्न दिया गया था आपको स्क्रीन के बैक साइड में, आपको शायद याद हो। कंसोल को अपराइट रखने के लिए इन्होंने एक अलग से स्टैंड भी डिज़ाइन किया है जो आप अलग से परचेज कर सकते हैं या साथ में मिलेगा, ऐसा अभी कुछ श्योर नहीं है। लेकिन डिज़ाइन ऐसा है कि आप उसको मोबाइल को जैसे आपको स्टैंड करना होता है उसी तरह से आप इसको स्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। हालांकि ये हार्डबोर्ड का ही बना हुआ है और टूटने और टेढ़ा होने के चांसेस भी हैं इसके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है इस गेमिंग कंसोल में। जो कंट्रोलर सेटअप बनाया गया है उसको आप अगर देखें ध्यान से तो ये एक्सबॉक्स की तरह ही दिखता है, एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की तरह ही पूरे इसके सेटअप्स बने हुए हैं। हालांकि जो इसके लेफ्ट साइड में जो मूविंग बटन है, प्लस बटन है, वो एक्सबॉक्स 360 के बटन के जैसा है। हालांकि ये छोटा है और अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो इसमें इसकी परफॉर्मेंस में ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता। इसके अलावा इसके ट्रिगर्स और बम्पर्स भी जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको अपनी उंगलियों को सेट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। आप जब इसमें गेम खेलना स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है और बहुत छोटे से पतले से हैं। आप जब उस पर प्ले करेंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ उस पर सेट होगा और फिर आपको स्मूथनेस नज़र आएगी अपनी गेमिंग में। तो दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और एक ज़बरदस्त वीडियो मैंने पहले बनाया है गेमिंग मॉनिटर्स के ऊपर, वो यहाँ पर है और ज़रूर इसको आप क्लिक करिए और देखिए, ये अच्छा वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये उसका लोगो है। अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी ही आपके सामने मैं फिर आता हूँ, तब तक के लिए रजनीश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।